डैमेज कंडीशन में है और किसी इंसानी जान का नुकसान हो सकता है इसकी गिरने के कारण, तो कोर्ट ने ये अप्रूव कर दिया कि सेशन कोर्ट ने, पहले सिविल कोर्ट में था, फिर सेशन कोर्ट में ये अप्रूव हो गया था कि ये बिल्डिंग डेंजरस कंडीशन में है, इसको डिमोलिश किया जाए कोर्ट ने। फिर ये जो शॉपकीपर है ये रेंट पे है और ओनर स्थिति में ही है कि जिसकी ये बिल्डिंग है वो चाह रहे हैं कि ये डिमोलिश हो, और ये फिर गए थे हाईकोर्ट में, वहां से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने इनको, जो ये रेंटी बैठे हुए हैं इधर, इनको नोटिस दिए थे 5-6 दिन पहले कि आप 3 दिन के अंदर बिल्डिंग खाली करें और हम इसको डिमोलिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग खाली नहीं की और वो रिजिस्ट कर रहे थे। तो हम और पुलिस जो है सिंह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट को असिस्ट कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश। नोटिस किस लिए होता है? नोटिस यही होता है कि आप उसको टाइम दे रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि आप जो है वो 5 दिन का आपके पास टाइम है, आप अपना सामान उठा लें। अब एंड टाइम पे पहले तो इन्होंने रिजिस्ट किया है, पुलिस पे पथराव किया है, हमारे DSP साहब पे पथराव किया है, मुझ पे पथराव किया है इन्होंने, और रिजिस्ट करने की बजाय अभी भी ये सामान उठाने की कोई सी मूड में नहीं है। अब गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और ये